नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका मुद्दा हमेशा न्यूज़पेपरों में जब भी आप देखते हैं तो बना रहता है, साइबर सुरक्षा। तो इसी से संबंधित एक लिखा गया है, साइबर सुरक्षा नीति 2013 की पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर महसूस की जा रही है, उसी से संदर्भ। तो देखेंगे आखिर एक क्या होता है साइबर स्पेस और साइबर सुरक्षा नीति 2013 की प्रमुख प्रावधान क्या है, उस पर भी बात करेंगे। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है, उसे भी देखेंगे। और इसमें आगे की राय क्या हो सकती है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। भारत साइबर हमलों का सामना करने वाली शीर्ष यानी कि टॉप 10 देशों में शामिल है। लॉकडाउन अवधि के दौरान इन घटनाओं में कई गुना वृद्धि हुई है। आईसीटी प्रणालियों की फिशिंग, मैपिंग और स्कैनिंग के मामलों में लगभग 3 गुना वृद्धि देखी गई है। विशेषकर महत्वपूर्ण सूचना और संरचना में लजारस हैकर समूह भारत, बांग्लादेश एवं अन्य दक्षिण एशियाई देशों के वित्तीय संस्थानों से में ऐसे साइबर हमलों की पहले से ही कुख्यात हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में भी साइबर हमला हुआ था। उसने डायरेक्ट तो नहीं कहा लेकिन उसने इशारा किया था चाइना की तरफ। और उससे पहले आपने देखा है कि उसने भी कहा था कि भारत पे भी एक बड़ा हमला होने वाला है, साइबर हमला। इसी बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन में जारी गतिरोध के बीच चीन ने भारतीय साइबर स्पेस पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। देश में ऐसे साइबर हमलों की बढ़ती संख्या के पीछे चीनी सूचना वारफेयर सेल और चीनी सेना का हाथ होने का संदेह है। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने गहन विश्लेषण और जांच के बाद यह पता किया है कि ये सभी हमले चीन से उत्पन्न हुए थे। चीन और ऑस्ट्रेलिया में व्यापार गतिरोध उपरांत ऑस्ट्रेलिया में साइबर हमलों में तेजी से वृद्धि देखी गई। एक बात आप याद रखिए, अभी जो आपका डाटा है यही सबसे बड़ी आपकी सुरक्षा है। अब आप सोचिए कि आपके फेसबुक पर क्या चल रहा है, आप किससे चैटिंग कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये तो एक प्राइवेट है अपना आपका मुद्दा। और सोचिए कि आप दूसरे के पास पहुंच जाए तो क्या होगा। तो इसी तरह हमारे देश का जो भी डाटा रहता है, अगर दूसरे देश के जो हमलावर होते हैं अगर वो इन्हें पा लेते हैं तो इनका मिसयूज भी कर सकते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके पहले साइबर इंटेलिजेंस फर्म साई फार्मा ने चेतावनी दी है कि चीनी हैकर्स कई सरकारी एजेंसियों, मीडिया हाउसों, फार्मा कंपनियों और टेलीकॉम ऑपरेटरों, भारत की एक बड़ी टायर कंपनी पर साइबर अटैक कर सकते हैं। साइबर इंटेलिजेंस फर्म साई फार्मा को मंदारिन और कैंटोनीज में चीनी हैकर्स द्वारा डार्क वेब पर बातचीत का डिकोड किया गया है, जिसमें भारत को सबक सिखाने के बारे में कहा गया है, विशेष रूप से चीन की आलोचना कर रहे मीडिया हाउस को। एक बात आप लोग याद रखिए कि अभी हम लोगों ने चीनी ऐप्स को बैन भी कर दिया है, तो अब और हमला बढ़ने की चांस होंगे, ठीक है। विशेषज्ञों के अनुसार, अनुमान के मुताबिक चीन की हैकर कम्युनिटी में 3 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। इनमें से 93% चीनी सेना चाइनीज रिपब्लिकन आर्मी के लिए काम करते हैं। इनकी पूरी फंडिंग चीनी सरकार करती है। ये हैकर्स लगातार अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, भारत और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में हैकिंग करते रहते हैं। मौजूदा परिदृश्य में 2013 की साइबर सुरक्षा के लिए भारत द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय नीति विफल होती नजर आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई साइबर सुरक्षा नीति 2020 लाने की घोषणा भी की है। आपसे कई बार बोल चुका हूँ, आप सोचिए कि सामने आमने सामने की लड़ाई होगी, जैसा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, नहीं होगा। अब युद्ध होगा आपका साइबर स्पेस को लेकर, इस तरह के अपराधों को लेकर, साइबर अपराध हो गए। और आप देख सकते हैं अंतरिक्ष यान में जो भी हमला होंगे उसी से आपका युद्ध होगा। अब डायरेक्ट सेनाएं कभी नहीं लड़ेंगी। आप समझ सकते हैं कि आप सोचिए अंतरिक्ष यान में आपके जो भी उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, उन्हें कोई देश नष्ट कर देता है तो आप वैसे भी एक तरह से काम खत्म है आपका। क्योंकि आज देख रहे हैं जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं सभी उसी पर, तो उपग्रह पर आधारित ही तो है हमारे पास। अब हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, क्या हो गया। तो एक तरह से हम इंटरनेट से इस तरह आज की जो भी
सुविधाएं इस तरह से जुड़ गए हैं कि अगर ये एक दिन के लिए बंद कर दी जाए, एक दो दिन के लिए, तो हम ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं है। अब आप सोचिए कि इंटरनेट से कोई छूटा हुआ नहीं है। अगर एक दो दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाता है किसी भी कारण से, तो आपको लगेगा कि कहाँ है हम, पता ही नहीं चलता है। आखिर होता क्या है ये साइबर स्पेस? साइबर स्पेस वर्चुअल कंप्यूटर की दुनिया को संदर्भित करता है। विशेष रूप से यह ऑनलाइन संचार की सुविधा के लिए एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। यह दुनिया भर के कई कंप्यूटर नेटवर्क से बना एक बड़ा नेटवर्क है, जो TCP/IP प्रोटोकॉल के माध्यम से संचार और डेटा विनिमय गतिविधियों को संपादित करता है। साइबर स्पेस की मुख्य विशेषता एक विस्तृत श्रृंखला में प्रतिभागियों के लिए एक इंटरैक्टिव और आभासी वातावरण प्रदान करता है। साइबर स्पेस छेड़छाड़ की घटनाओं के प्रति अति संवेदनशील है, चाहे वो आकस्मिक हुई हो या फिर जानबूझकर की गई हो। कई बार तो साइबर स्पेस में एक्सचेंज किए गए डेटा का राष्ट्र, राज्यों और गैर राज्य राज्य अभिकर्ताओं के द्वारा गलत उद्देश्य के लिए भी उपयोग किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी IT साइबर स्पेस के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। आज यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकास उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। साइबर सुरक्षा आखिर 2013 में क्या प्रावधान है, उन्हें भी देख लेते हैं। साइबर खतरों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी की थी, जिसमें देश की साइबर सुरक्षा के मूलभूत ढांचे की रक्षा के लिए निम्नलिखित प्रमुख रणनीतियों को अपनाने की बात कही गई थी। सुरक्षित साइबर इकोसिस्टम का निर्माण, देश में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन का सुरक्षित माहौल तैयार करना, IT सिस्टम विश्वास और भरोसा कायम करना तथा साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिए हितधारकों के कार्यों में मार्गदर्शन करना, नियामक ढांचे को मजबूत करना, सुरक्षित साइबर स्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करना, ये सभी आपके जो साइबर सुरक्षा नीति 2013 थी उसी के प्रावधानियों की बात कर रहा हूँ। वैश्विक सुरक्षा मानकों का अनुपालन, आश्वासन ढांचा बनाने के लिए यह नीति साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं, मानकों और दिशा निर्देशों के अनुपालन के अनुरूप मूल्यांकन और प्रमाणन का निर्माण करेगी। कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम यह नीति सुरक्षा खतरों, भेद्यता प्रबंधन और प्रतिक्रिया के मामले में प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त करने के लिए तंत्र बनाएगी। इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर की कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम यानी कि 24 घंटे 7 दिनों एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करेगी, जो साइबर संकट की स्थिति से निपटने में सभी संचार और समन्वय को भी संभालेगी। साइबर क्राइम की प्रभावी रोकथाम और जांच और अभियोजन को सक्षम बनाना और उचित विधायी हस्तक्षेप के माध्यम से कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाना है। गोपनीयता, नागरिकों से संबंधित डाटा के उपयोग, भंडारण, पारगमन के दौरान सूचनाओं के संरक्षण को सक्षम बनाना ताकि नागरिकों के डेटा की गोपनीयता की रक्षा हो सके। साइबर अपराध या डेटा चोरी के कारण आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके। या आप लोग एक बात याद रखिए, आप कहते हैं कि हमारा डेटा कैसे चला जाता है। अब आप समझते हैं कि जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं, किसी मोबाइल को आपने लिया होगा, या फिर मैं बताता हूँ एक सामान्य सा उदाहरण कि मैंने कुछ दिन पहले वाईफाई के लिए कनेक्शन के लिए कॉन्टेक्ट किया। मैंने किसी को नहीं किया, बस मैंने गूगल पर सर्च किया और ऑनलाइन देख ही रहा था गूगल क्रोम पर। पता नहीं कैसे मेरा नंबर कई के पास पहुंच चुका है, एयरटेल, आपकी तिकोना, वोडाफोन, आइडिया वोडाफोन और जो BSNL नहीं और आपकी DTH वाला भी लगाता है, वीडियो कॉन वाली भी लगाते हैं, एयरटेल भी वाला भी लगाता है। तो 5-6 लोगों का फोन आने लगा हमारे पास। तो आप समझ रहे हैं कि आपने कई बार देखा होगा कि आप मोबाइल सर्च करते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, पर उसके बाद आपको वही आपको दिखाने लगता है, एड्स आने लगते हैं आपके यहाँ। तो यही बात है, और एड्स आने लगते हैं, आप फिर देखते रहते हैं। इस तरह ये आपका डाटा, जो भी आपने देखा होगा कि कई बार आप लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर पहुंच जाता है किसी कंपनी में, कोई लेता है, फिर मैसेज आने लगते हैं आपके पास कि ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। तो ये इसी तरह से सुरक्षा की गोपनीयता की बात की जाती है। परीक्षण और सत्यापन,
आईसीटी उत्पादों प्रमाणिकता में सुधार करने के लिए ऐसे उत्पादों की सुरक्षा के परीक्षण और सत्यापन के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना करना। मानव क्षमता विकास, क्षमता निर्माण, कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से अगले 5 वर्षों में साइबर सुरक्षा में कुल 5 लाख पेशेवरों का कार्यबल बनाना है। प्रौद्योगिकियों का स्वदेशीकरण, सीमांत प्रौद्योगिकी अनुसंधान, समाधान उन्मुख अनुसंधान, संकल्पनाओं के प्रमाणन आदि के माध्यम से उपयुक्त स्वदेशी सुरक्षा तकनीकों को विकसित करना है। अब बात करते हैं साइबर राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के मूल पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और कई बार आप देखते हैं कि कोई ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं या कुछ साइट खोलते हैं तो उसमें आपसे जीमेल मांगता है, मोबाइल नंबर मांगता है, आपका नाम मांगता है, इसी तरह की तो डाटा सेव कर लेते हैं, बाद में दूसरी कंपनियों को वो बेच देते हैं, समझ रहे हैं। साइबर स्पेस के प्रति तेजी से बढ़ते जोखिमों, भेद्यताओं, धमकियों, साइबर अपराधों और धोखाधड़ी के कारण साइबर युद्ध जैसी परिदृश्य में साइबर सुरक्षा का महत्व भी अत्यधिक बढ़ गया है। 2013 की साइबर सुरक्षा नीति मौजूदा परिस्थितियों में कारगर साबित नहीं हो रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में 23वें स्थान पर आता है। कंज्यूमर टेक रिव्यू फार्म कंपेरेटिव टेक के अनुसार भारत दुनिया में सबसे कम साइबर सुरक्षित देशों में से 115वें स्थान पर है। ऐसे मुद्दे से निपटने के लिए एक ठोस साइबर सुरक्षा नीति आवश्यक है। इसके अलावा निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए साइबर सुरक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता की जा रही है। साइबर हमलों की बढ़ती घटनाएं, इस पे स्पैम ईमेल के माध्यम से मेलवेयर इंजेक्ट करके साइबर सुरक्षा की अन्य कमजोरियों का फायदा उठाकर हैकिंग से संबंधित घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान इंटरनेट पर दुर्भावनापूर्वक ट्रैफिक में लगभग 56% की वृद्धि देखी गई है। आप हमेशा देखते हैं कि आप जीमेल बनाते हैं, उस पर इस तरह के कई फालतू जीमेल भी आते होंगे आपने, तो यही तो है कि आपकी जीमेल कहाँ पहुँच गई है, वो एसएमएस आते कहाँ से, आखिर आपकी जीमेल किसी और के पास पहुँची है ना, तभी तो मेल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी बात की जा रही है। पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद, सीमा पर गतिरोध के चलते चीन और उसके करीबी सहयोगियों की ओर से बड़े साइबर हमले और भी बढ़ गए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भी चीनी द्वारा किए गए साइबर हमलों पर चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा चीन उपग्रह चैनलों के माध्यम से इंटरनेट को भेदने की प्रौद्योगिकी विकसित करने की ओर में लगा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सैन्य सिद्धांतों में हो रहे बदलावों में साइबर कमांडो में भी वृद्धि की आवश्यकता को दर्शाते हैं, जिसमें रणनीतिक बदलाव के साथ साइबर डिटरेंस भी शामिल है। कारगिल समीक्षा समिति ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा के एक आवश्यक अंग के रूप में मजबूत साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे की सिफारिश की थी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सफलता, इंटरनेट की पहुंच और स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर हमलों से जुड़े जोखिमों में भी वृद्धि हुई है। इससे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की प्रगति भी प्रभावित हो रही है। उदाहरण के लिए सितंबर 2016 में भारतीय बैंकों को एक साथ बड़े पैमाने पर डेटा ब्रिज का सामना करना पड़ा, जब हिताची पेमेंट सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए हैकरों ने 3.2 बिलियन, याद रखिए 3.2 मिलियन डेबिट कार्ड के साथ छेड़छाड़ की थी। आप देखते हैं कि यार अभी भी आप लोग डरते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने से, आप ऑफलाइन पेमेंट करने पर भरोसा ज्यादा करते हैं, इसी कारण कि आपके कहीं पैसे उड़ ना जाए, कहीं चले ना जाए। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार पुट्टा स्वामी बाद में हो चुका है, क्या निजता का अधिकार बन चुका है मौलिक अधिकार आपका, अर्थात विभिन्न साइबर हमलों से व्यक्ति की निजता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, जिसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार बाध्य भी है। क्रांतिकारी तकनीकों का आगमन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, इंटरनेट सक्षम डिवाइस और बिग डेटा जैसे तकनीकों में ने साइबर हमले तंत्र को और अधिक जटिल बना दिया है। इसलिए समय की मांग है कि नई सुरक्षा तकनीकों विकास किया जाए। सामाजिक परिवर्तन और समावेशी विकास, तीव्र सामाजिक परिवर्तन और समावेशी विकास के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं और वैश्विक आईटी क्षेत्र में भारत की प्रमुख भूमिका को देखते हुए देश में एक उपयुक्त साइबर सिटी इकोसिस्टम के निर्माण की आवश्यकता है। देश में आईटी क्षेत्र के विकास के वैश्विक नेटवर्क के साथ सुरक्षित तालमेल स्थापित किया जा सके। आगे की इसमें राय क्या हो सकती है और आप अपनी तरफ से भी सुझाव दे सकते हैं, ठीक है।
राष्ट्रीय साइबर समन्वय के केंद्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और जनशक्ति सहित सभी पहलुओं में तत्काल उन्नयन किया जाना चाहिए। व्यापक रूप से साइबर सुरक्षा मुद्दों के समन्वय में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय की भूमिका की प्रभावशीलता की समीक्षा की जानी चाहिए और उसे अधिक सशक्त किया जाना चाहिए। केंद्रीय स्तर पर एक जिम्मेदार संस्था होनी चाहिए जो साइबर सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हो। साथ में नियामकों एवं समन्वयों के बीच उच्च स्तर का सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। अलग अलग उपकरणों और सॉफ्टवेयरों में इनमें अंतर्निहित भेदताओं और भी डिजिटल होती जाती हैं। तकनीकी और डेटा का उनकी बदलती विकृति के कारण भू राजनीतिक महत्व अत्यधिक बढ़ रहा है। इसलिए देश को साइबर सुरक्षित बनाने के लिए एक बेहतर नीति, कानूनी ढांचे, प्रौद्योगिकी और निगरानी तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। एक बात आप लोग याद रखिए, जब तक हम अपने सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, अब आप सोचिए कि अपने यूट्यूब हो, अपने फेसबुक हो, अपने देश की फेसबुक हो, अपने देखिए अपने यहाँ की व्हाट्सअप हो, तब मुझे लगता है कि भरोसा इंसान का, भारतीय लोगों का बढ़ जाएगा और हर कोई ऑनलाइन पेमेंट या डिजिटल इंडिया से जुड़ने का प्रयास करेगा। आप सोचिए कि बाहरी देश की कंपनी है, अब हम उन पर कितना भरोसा कर सकते हैं। आज हो सकता है कि हम जैसे चीन के हम लोगों ने ऐप्स बैन कर दिए हैं, इसी तरह हो सकता है अन्य देशों के बैन करने पड़े, क्योंकि अन्य देश तो हमारे खिलाफ भी तो जा सकते हैं और किसी भी देश पर भरोसा कभी नहीं किया जा सकता है। आप जानते हैं कि रूस पहले हमारा अच्छा दोस्त हुआ करता था, बहुत बढ़िया। और आपने देखा है अमेरिका हमें पाकिस्तान का साथी हुआ करता था, अब आप उल्टा देख रहे हैं, रूस आपका पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है और जो आपका अमेरिका है वो भारत की ओर झुक रहा है। भारत की ओर आपसे हमदर्दी नहीं है, अमेरिका को इतना है कि चीन को अगर प्रतिस्थापित करना है तो भारत की मदद जरूरी है, इसलिए अपने मतलब के लिए अमेरिका आपका साथ दे रहा है। आप कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि गलत टाइम में, यानी कि बुरा वक्त चल रहा हो, तब अमेरिका साथ दे रहा है। अगर ये आप सोचते हैं तो आपकी बेवकूफी है, ठीक है। तो दोस्ती ये मतलब की होती है केवल, ठीक है। आजकल अपने समाज में भी देखते हैं कि कोई गरीब है अगर तो उससे दोस्ती नहीं की जाती है, और हमारा जिससे काम होने की आशा है कि इससे काम पड़ सकता है तो उसी को दोस्त बना लिया जाता है, ठीक है। तो यही हाल है देशों का। चलिए इसमें से जो भी पॉइंट हो आपकी आंसर राइटिंग के लिए या फिर प्रीलिम्स के लिए, आप लोग अच्छे से देखते रहिए। आर्टिकल कोई भी हो आपके लिए जरूरी रहता है, ठीक है। तो आप इतना तो समझदार हो गए होंगे काफी कि आप सही गलत जानने लगे होंगे, ठीक है। बने रहिए।